वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आज हम करेंगे प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह एक का क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में जो भी युग्मक समीकरण आपको दिया गया है उसको आलेख विधि से हल करना है। बच्चों आपको इसके लिए आलेख विधि हल करने आना चाहिए। और बच्चों आपने प्रश्न संग्रह 1.2 में जितने भी सवाल किए हैं आपने कौन सी विधि से किए हैं, आलेख विधि से किए हैं। अगर आपको आलेख विधि नहीं आता तो ऑलरेडी मैंने प्रश्न संग्रह 1.2 का वीडियो बनाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो देख लीजिए। अब बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व करने वाला हूँ वो मैं डायरेक्ट सॉल्व करने वाला हूँ, समझ में आ रहा है। यहाँ पर मैं आपका बेसिक नहीं लूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्रश्न संग्रह 1.2 में पूरा बेसिक कवर किया है। तो यहाँ पर जितने भी सवाल दिए गए हैं उनको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, निम्नलिखित युग्म समीकरण को आलेख विधि से हल कीजिए। जो भी यहाँ पर समीकरण दिया गया है उसको कौन सी विधि से हल करना है बच्चों, आलेख विधि से हल करना है। तो बच्चों यहाँ पर आपको सवाल दिया है 2x + 3y = 12, ये आपको पहला समीकरण दिया है, और दूसरा समीकरण दिया है x - y = 1। ठीक है, अब ये जो समीकरण दिया गया है इसको आपको कौन सी विधि से हल करना है, आलेख विधि से हल करना है। और बच्चों मैंने आपको प्रश्न संग्रह 1.2 में बताया था कि जब भी आप किसी युग्मक समीकरण को आलेख विधि से हल करते हो तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको चार बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहला काम हमारा वही होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, चार बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो बच्चों यहां पर क्या करना है, सबसे पहले आपको पहला समीकरण जो दिया है पहले समीकरण को लेना है और पहले समीकरण से चार बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। और चार बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए आपको एक तालिका बनानी पड़ेगी जिसमें x को लेना है, y को लेना है, उसके बाद में क्या आएगा x, y। यहां पर x क्या है, x निर्देशांक, y क्या है, y निर्देशांक। ठीक है, और यहां पर आपको चार कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, समझ में आ रहा है। तो बच्चों यहां पर मुझे x निर्देशांक भी निकालना है और y निर्देशांक भी निकालना है। तो बच्चों याद रखना, अगर मुझे x और y निर्देशांक निकालना है तो मैंने आपको बताया था कि आपको x का वैल्यू लेना है, आपको x का वैल्यू खुद से लेना है और आपको किसका वैल्यू मिलेगा, y का वैल्यू मिलेगा। या तो आपको y का वैल्यू खुद से लेना है, सॉल्व करेंगे तो आपको किसका वैल्यू मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहां पर लिखेंगे नंबर 1 जो समीकरण दिया है सबसे पहले लिख लेते हैं 2x + 3y = 12। एक काम कीजिए, जो समीकरण 1 है उसको एक काम कीजिए समीकरण 1 दे दीजिए, समझ में आ रहा है। अब बच्चों यहां पर हम लोग x का वैल्यू 0 लेंगे। ठीक है, अब बच्चों यहां पर मैं x का वैल्यू वही लूंगा जिससे मुझे y का वैल्यू दशमलव में ना मिले, या फिर मैं y का वही वैल्यू लूंगा जिससे मुझे x का वैल्यू दशमलव में ना मिले, मतलब मुझे पॉइंट में आंसर ना मिले, समझ में आ रहा है। तो यहां पर सबसे पहले हमने x का वैल्यू कितना लिया है, 0। तो यहां पर लिखेंगे x = 0 समीकरण 1 में रखने पर, एक में रखने पर। बच्चों जहां पर x है वहां पर हमें क्या रखना है, 0। तो यहां पर लिखेंगे 2 × 0 + 3y = 12। अब 2 का गुणा 0 के साथ करेंगे कितना आएगा, 0 + 3y = 12। ठीक है, अब 0 को कोई वैल्यू नहीं होता तो यहां पर क्या बचेगा, 3y = 12। अब 3 यहां पर गुणे में, इधर गया तो क्या हो जाएगा, बट्टे में, तो y बराबर कितना आएगा, 12/3। अब यहां पर 3 से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दो, 3 × 3 = 12। तो y का मान कितना आएगा बच्चों, 4। मतलब जब x का वैल्यू 0 था तो y का वैल्यू कितना आया, 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 0, 4। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हमने x का वैल्यू 0 लिया था, अब हम लोग y का वैल्यू यहाँ पर 0 लेते हैं तो देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड पॉइंट, जो समीकरण दिया है लिख लेते हैं, सिंस 2x + 3y = 12। यहां पर लिखेंगे y = 0 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, जहां पर y है मुझे क्या रखना है, 0 रखना है उसका वैल्यू। तो यहां पर आएगा 2x + 3 × 0 = 12। सो यहां पर लिखेंगे 2x + 3 का गुणा 0 के साथ करेंगे कितना आएगा, 0 = 12। अब 2x + 0 कितना आएगा, 2x
इज इक्वल टू 12। अब दो यहाँ पर गुणे में इधर गया तो क्या हो जाएगा, बट्टे में, तो x का मान कितना आएगा 12/2। तो यहाँ पर 2 से कट हो रहा है, कट कर दीजिए, 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो x का मान कितना आएगा 6। मतलब यहाँ पर जब y का वैल्यू 0 था तो x का वैल्यू कितना आया 6, तो यहाँ पर लिखेंगे x का वैल्यू कितना आया 6, यहाँ पर आएगा 6, 0। ठीक है, अब एक काम करते हैं, x का वैल्यू 3 लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे थर्ड पॉइंट, समीकरण क्या दिया है, 2x + 3y = 12। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 3, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। सो यहाँ पर आएगा 2 × x का मान कितना है 3 प्लस 3y = 12, 3 दुना कितना हो जाएगा 6 प्लस 3y = 12। अब 6 यहाँ पर प्लस में इधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस, सो 3y = 12 - 6, सो 3y = 12 में से 6 गया कितना बचेगा 6। अब 3 यहाँ पर गुणे में इधर गया तो क्या हो जाएगा बट्टे में, तो y बराबर कितना आएगा 6/3। अब 3 से कट हो रहा है, कट कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 दुना 6, तो y का मान कितना आएगा 2। ठीक है, मतलब यहाँ पर जब x का मान 3 था तो y का मान कितना आया 2। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3, 2। अब एक काम करते हैं, x का वैल्यू -3 लेते हैं, ठीक है, और चेक करते हैं y का वैल्यू कितना आता है। सो यहाँ पर लिखेंगे नंबर 4, समीकरण क्या दिया है, 2x + 3y = 12। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर -3, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब यहाँ पर जहाँ पर x है वहाँ पर कितना लिखेंगे -3, सो यहाँ पर आएगा 2 × -3 + 3y = 12। ठीक है, 3 दुना कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। अब ये प्लस में है और ये माइनस में, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, प्लस 3y = 12। अब यहाँ पर -6 राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा +6, तो यहाँ पर क्या आएगा 3y = 12 + 6। ठीक है, सो यहाँ पर लिखेंगे 3y = 12 + 6 कितना हो जाएगा 18। अब 3 यहाँ पर गुणे में इधर गया तो क्या हो जाएगा बट्टे में, तो y बराबर कितना हो जाएगा 18/3। अब 3 से डिवाइड कर दो, 3 एकम 3, 3 छंग कितना हो जाएगा 18, तो y का मान कितना आएगा 6। ठीक है, जब x का मान कितना था -3, तो y का मान कितना आया 6, तो यहाँ पर लिखेंगे -3, 6। ठीक है, इस तरह से आपको बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब जिस तरह हमने समीकरण 1 से 4 निर्देशांक ज्ञात किए, उसी प्रकार आपको समीकरण 2 से 4 निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस समीकरण 2 क्या है उसको लिख लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा x - y = 1। एक काम कीजिए, इसको समीकरण 2 दे दीजिए। ठीक है, अब यहां पर भी मुझे तालिका बनानी पड़ेगी। ठीक है, यहां पर लिखेंगे x y और यहां पर आएगा x, y। ठीक है, और यहां पर कितने कॉलम्स बनाने हैं बच्चों, 4। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर y का वैल्यू लेते हैं, फटाफट सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर y का वैल्यू सबसे पहले हम 0 लेते हैं, तो देखते हैं x का वैल्यू क्या आता है। सो यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1, समीकरण क्या दिया है, x - y = 1। ठीक है, हमने y का मान कितना लिया है 0, तो y बराबर 0, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, सो यहाँ पर आएगा x - 0 = 1। x में से 0 को माइनस करो कितना आएगा x = 1। जब y का वैल्यू 0 था तो x का वैल्यू कितना आया 1, सो यहाँ पर आएगा 1, 0। अब एक काम करते हैं, y का मान 1 ले लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे नंबर 2, सिंस x - y = 1, ये समीकरण दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे y = 1, समीकरण 2 में रखने पर। तो यहाँ पर आएगा x - 1 = 1। अब 1 यहाँ पर माइनस में इधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो x का मान कितना हो जाएगा 1 + 1, 1 + 1 कितना होता है 2। सो जब y का मान 1 था
तो x का मान कितना है 2, तो यहां पर लिखेंगे 2, 1। एक काम करते हैं y का मान 2 ले लेते हैं, ठीक है, और चेक करते हैं x का मान कितना आएगा, तो यहां पर लिखेंगे नंबर 3 सिंस x माइनस वाई बराबर 1, ठीक है। सो यहां पर लिखेंगे y बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो यहां लिखेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अब यहां पर ये माइनस 2 है, इधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस 2, तो x बराबर 1 प्लस 2, तो x का मान कितना आएगा 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3। मतलब यहां पर जब y का वैल्यू 2 था तो x का मान कितना आया 3, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे 3, 2। एक काम करते हैं y का वैल्यू अभी यहां पर 3 ले लेते हैं और चेक करते हैं क्या आता है। सो यहां पर समीकरण क्या दिया है, सिंस x माइनस y बराबर 1, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे y बराबर 3 समीकरण 2 में रखने पर। सो यहां पर क्या आएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अब माइनस 3 इधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस 3, सो यहां पर आएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस 3, x का मान कितना आएगा 4। मतलब यहां पर जब y का मान 3 था तो x का मान कितना है 4, तो यहां पर लिखेंगे 4, 3, ठीक है। इस तरह से इसको हल करना था बच्चों। अब तक हमने सिर्फ निर्देशांक याद किए हैं, अब इसके बाद हम लोग इसका आलेख बनाएंगे। अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बच्चों, जो हमें निर्देशांक मिले हैं उसकी सहायता से हम लोग आलेख बनाते हैं। तो बच्चों अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो ये क्या है बच्चों एक्स अक्ष और ये क्या है बच्चों वाई अक्ष। और बच्चों याद रखना आपको पैमाना लिखना कंपलसरी है, ठीक है, आपको पैमाना लिखना पड़ेगा। अगर आप पैमाना नहीं लिखोगे तो हो सकता है वहां पर आपका हाफ मार्क्स कट हो जाए। तो बच्चों यहां पर सबसे पहले जो समीकरण एक दिया है, ठीक है, जो समीकरण हमें एक दिया था उससे जो मुझे निर्देशांक मिले हैं सबसे पहले मुझे क्या करना है उसको आलेख में दिखाना है, ठीक है। तो यहां पर x निर्देशांक 0 है और y निर्देशांक कितना है 4। अब यहां पर x पे कितना है 0 और y पे कितना है 4, तो यहां पर आएगा, ठीक है। उसके बाद x पे 6 है और y पे कितना है 0, x निर्देशांक कितना है 6 और y निर्देशांक कितना है 0, तो यहीं पर बिंदु आएगा, ठीक है। उसके बाद x पे कितना है 3 और y पे कितना है 2, यहां पर x पे कितना है 3 और y पे कितना है 2, मतलब यहां पर आएगा, ठीक है। उसके बाद x पे कितना है -3 और y पे कितना है 6, ठीक है, x पे कितना है बच्चों -3 और y पे कितना है 6, मतलब यहां पर आएगा, ठीक है, ओके। अब बच्चों ये जो आपको बिंदु मिले हैं इससे आपको क्या करना है, इनसे जाने वाली सीधी रेखा खींचनी है, समझ में आ रहा है। तो यहां पर हम लोग सीधी रेखा खींच देते हैं, ठीक है। अब बच्चों यहां पर मेरा लाइन परफेक्ट नहीं आएगा, जब तुम लोग आलेख में बनाओगे तो तुम्हारा जो लाइन होगा वो एकदम सीधी आएगी, ठीक है। चलिए अब बच्चों ये जो रेखा हमें मिली है वो कौन से समीकरण की है, 2x + 3y = 12। तो यहां पर लिखेंगे 2x + 3y = 12, समझ में आ रहा है। अब बच्चों यहां पर निर्देशांक भी लिख दीजिए, ये कौन सा निर्देशांक था -3, 6, ठीक है, ये कौन सा निर्देशांक था 0, 4, ठीक है, ये निर्देशांक कौन सा है 3, 2, ठीक है, ये निर्देशांक कौन सा है 6, 0, ठीक है। जो हमें निर्देशांक दिए थे वो हमने लिख दिया है, ठीक है। अब दूसरे समीकरण से जो हमें निर्देशांक मिले हैं उनको भी हमें किस में रखना है, आलेख में रखना है, समझ में आ रहा है। तो x निर्देशांक कितना है 1, y निर्देशांक कितना है 0, ठीक है, x पे 1 है y पे 0 है, तो x पे कितना है 1, ठीक है, और y पे कितना है 0, तो यहां पर निर्देशांक आएगा, ठीक है। उसके बाद x पे 2 है और y पे 1, x पे कितना है 2 और y पे कितना है 1, मतलब यहां पर आएगा, ठीक है। उसके बाद x पे कितना है 3 और y पे कितना है 2, x पे कितना है 3 और y पे कितना है 2, x पे कितना है 3 और y पे कितना है 2, मतलब यहां पर आएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद x पे कितना है 4 और y पे कितना है 3, x पे कितना है 4 और y पे कितना है 3, मतलब यहां पर आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे तो चारों एक रेखा में है, तो हमें क्या करना है, इससे जाने वाली एक रेखा खींचनी है। तो यहां पर इनसे जाने वाली एक सीधी रेखा खींच दीजिए,
ठीक है, अब मेरा लाइन एकदम सीधा नहीं आया है, आप आलेख में बनाओगे तो एकदम परफेक्ट सीधी रेखा आएगी, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर इसके निर्देशांक लिख दीजिए, ये कौन सा निर्देशांक है, 4.3, ये क्या है 3.2, और ये क्या था बच्चों 2.1, ठीक है, और यहाँ पर क्या था बच्चों 1.0, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करना है, और बच्चों याद रखिए समीकरण लिखना मत भूलिए, ठीक है। अभी इस रेखा का समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 1, ठीक है। और बच्चों यहां पर आपको नीचे लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे, दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 3.2 पर प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा x, y बराबर 3.2, ये आपका फाइनल आंसर होगा, समझ में आ रहा है? इस तरह से इसको सॉल्व करना था। अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद जो भी मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूं उसका सिर्फ मैं आपको निर्देशांक निकाल के दूंगा, आलेख आपको खुद से बनाने हैं, ठीक है। अगर आपको आलेख बनाना नहीं आता तो ऑलरेडी मैंने प्रश्न संग्रह 1.2 के सभी क्वेश्चंस के आलेख बनाए हैं, ठीक है, वो वीडियोस को देखिए ताकि आपके आलेख के जितने भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया है x-3y = 1, और दूसरा समीकरण दिया है 3x-2y + 4 = 0। अब बच्चों यहां पर जो पहला समीकरण दिया है उसको लिख लीजिए, तो यहां पर लिखेंगे सीन्स x-3y = 1, और इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो यहां पर या तो आपको x का वैल्यू लेना है या तो आपको y का वैल्यू लेना है। अगर आपको x तथा y निर्देशांक ज्ञात करना है, बच्चों यहां पर पहला स्टेप क्या होगा, जो भी समीकरण हमें दिया जाएगा सबसे पहले मुझे क्या करना है, उससे बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। और बच्चों याद रखना 4 बिंदुओं के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों यहां पर अगर मुझे बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो हमें या तो x का वैल्यू लेना पड़ेगा या तो y का वैल्यू लेना पड़ेगा। अब बच्चों ये जो समीकरण दिया है, इस समीकरण के अंदर x का गुणांक कुछ नहीं मतलब 1 होगा, ठीक है, और यहां पर y का गुणांक कितना है 3। अगर आप यहां पर y का मान खुद से लोगे तो फटाफट समीकरण हल हो जाएगा। तो एक काम करेंगे, हम लोग y का वैल्यू खुद से लेंगे, समझ में आ रहा है, और हमें किसका वैल्यू मिलेगा, x का, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग y का वैल्यू क्या लेंगे, 0, ठीक है। हम लोग y का वैल्यू 0 लेके देखते हैं कि x का वैल्यू क्या आता है, ठीक। तो बच्चों यहां पर लिखेंगे नंबर 1, सीन्स x-3y = 1, ठीक है। अब हमने क्या किया है, y का वैल्यू कितना लिया है, 0, तो यहां पर लिखेंगे y बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब यहां पर y की जगह क्या लिखना है मुझे, 0 लिखना है, तो यहां पर आएगा x-3 × 0 = 1, ठीक है। तो यहां पर क्या बचेगा, x-3 का गुणा 0 के साथ होगा, कितना आएगा, 0 = 1, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, x-0 कितना हो जाएगा, x बराबर कितना आएगा, 1। मतलब यहां पर जब y का मान 0 था तो x का मान कितना है बच्चों, 1 आया, तो यहां पर लिखेंगे 1.0। अब एक काम करते हैं, y का वैल्यू यहां पर 1 लेकर देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों आपको यहां पर लिखना पड़ेगा नंबर 2, सिंस समीकरण क्या दिया है, x-3y = 1, ठीक है। अब y का वैल्यू कितना लिया है, 1, तो यहां पर लिखेंगे y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। सो यहां पर क्या आएगा, x-3 × 1 = 1, तो यहां पर लिखेंगे x-3 = क्या हो जाएगा, 3 बराबर क्या हो जाएगा, 1। अब यहां पर -3 है, इधर गया तो क्या हो जाएगा, +3, तो यहां पर लिखेंगे x = 1 + 3, एक्स का मान कितना आएगा बच्चों, 4। मतलब यहां पर जब y का मान 1 था तो x का मान कितना है बच्चों, 4, तो यहां पर लिखेंगे 4.1, ठीक है। अब एक काम करते हैं, y का मान 2 लेकर देखते हैं, y का मान कितना लेंगे बच्चों, 2, ठीक है। सो यहां पर लिखेंगे सीन समीकरण क्या दिया है, x-3y = 1, ठीक है। यहां पर लिखेंगे y = 2
समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। सो यहां पर आएगा x माइनस थ्री इंटू टू इज इक्वल टू वन। सो यहां पर लिखेंगे x माइनस तीन दोना क्या हो जाएगा छः, बराबर क्या हो जाएगा एक। सो x अब ये माइनस सिक्स इधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस सिक्स, तो x बराबर क्या हो जाएगा वन प्लस सिक्स। एक्स का मान कितना आएगा बच्चों सात, मतलब यहां पर जब y का मान दो था तो x का मान कितना आया बच्चों सात आया, तो यहां पर लिखेंगे सेवन कॉमा टू, ठीक है। अब एक काम करते हैं y का वैल्यू माइनस टू लेके देखते हैं, समझ में आ रहा है। चलिए फिर तो यहां पर लिखेंगे नंबर फोर, सिंस समीकरण क्या दिया है x माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू वन, ठीक है। अब y का मान कितना लिया हमने माइनस दो लिया है, y बराबर माइनस दो समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। सो यहां पर लिखेंगे x माइनस थ्री इंटू माइनस टू इज इक्वल टू वन, ठीक है। सो यहां पर x तीन दूना कितना हो जाएगा छः, तीन दूना कितना हो जाएगा छः, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, बराबर कितना आएगा वन, ठीक है। अब यहां पर प्लस सिक्स है इधर के तो क्या हो जाएगा माइनस सिक्स, तो x बराबर कितना आएगा वन माइनस सिक्स। एक्स का मान कितना आएगा एक में से छः नहीं जाएगा, छः में से एक को माइनस करो कितना आएगा पाँच, और बड़ा नंबर क्या है छः, तो साइन कौन सा रहेगा माइनस का। इसका मतलब जब y का मान माइनस दो था तो x का मान कितना आया माइनस पाँच, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस फाइव कोमा माइनस टू, समझ में आ रहा है। इस तरह से आपको बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब जो काम हमने समीकरण एक के साथ किया है वही काम आपको समीकरण दो के साथ करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो बच्चों यहां पर दूसरा समीकरण क्या दिया है 3x माइनस टू वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो यहां पर लिखेंगे सिंस 3x माइनस टू वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। एक काम करते हैं ये जो प्लस फोर है इसको राइट हैंड साइड में लेकर जाइए, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 3x माइनस टू वाई इज इक्वल टू, अब ये प्लस फोर था इधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस फोर, ठीक है। एक काम कीजिए इसको दे दीजिए समीकरण नंबर दो, ठीक है। अब इसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा एक सारणी बनानी पड़ेगी। अब सारणी क्यों बनाते हैं क्योंकि मुझे यहां पर बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने, ठीक है। यहां पर लिखेंगे एक्स वाई एक्स कॉमा वाई, ठीक है। फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम, ठीक है। आपको चार कॉलम्स बनाने हैं, ओके। सो यहां पर लिखेंगे नंबर वन सिंस समीकरण क्या दिया है 3x माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस फोर, ठीक है। अब बच्चों यहां पर हम लोग एक काम करते हैं x का वैल्यू जीरो लेकर देखते हैं, x का वैल्यू जीरो लेते हैं और देखते हैं y का वैल्यू कितना आता है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे x बराबर जीरो समीकरण दो में रखने पर, ठीक है। सो क्या आएगा 3 इंटू जीरो माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस फोर। अब तीन का गुणा जीरो के साथ करोगे तो कितना आएगा बच्चों जीरो माइनस टू वाई इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस फोर, ठीक है। अब जीरो को कोई वैल्यू नहीं होता तो क्या बचेगा माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस फोर। यहां पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसल, क्या बचेगा टू वाई इज इक्वल टू फोर। सो बच्चों हम लोग यहां पर लिखेंगे टू वाई इज इक्वल टू फोर, ठीक है। अब दो यहां पर गुणे में इधर गया तो क्या हो जाएगा बट्टे में, तो y का मान कितना आएगा बच्चों चार बट्टे दो, ठीक है। अब यहां पर कट कर दो, दो एकम दो, दो दूनी चार, तो y का मान कितना आएगा बच्चों दो आएगा, ठीक है। अब यहां पर जब x का मान जीरो था तो y का मान कितना आया बच्चों दो आया, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे जीरो कॉमा टू, ठीक है। अब एक काम करते हैं एक्स का वैल्यू दो रखकर देखते हैं, ठीक है। चलिए नंबर टू सिंस समीकरण क्या दिया है 3x माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस फोर, ठीक है। यहां पर कितना है बच्चों माइनस फोर, ठीक है। सो यहां पर लिखेंगे x बराबर दो समीकरण दो में रखने पर, ठीक है। सो यहां पर क्या आएगा 3 इंटू टू माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस फोर, ठीक है। तीन दुना कितना हो जाएगा छः, माइनस
टू वाई इज इक्वल टू माइनस फोर, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस में है, इधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस, सो माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस फोर। अब ये प्लस में था, इधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस सिक्स। सो यहाँ पर आएगा माइनस टू वाई इज इक्वल टू, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो छः और चार कितना हो जाएगा दस, और बड़ा नंबर छः है, साइन किसका रहेगा माइनस का, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों कैंसल, तो क्या बचा टू वाई इज इक्वल टू टेन। अब दो यहाँ पर गुणे में, इधर गया तो क्या हो जाएगा बट्टे में, सो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा दस बट्टे दो, ठीक है। अब दो से कट हो रहा है, कट कर दो, दो एकम दो, दो पच्चे दस, तो y का मान कितना आएगा बच्चों पाँच, ठीक है। इसका मतलब जब x का मान दो था तो y का मान कितना आया पाँच, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों पाँच, और यहाँ पर लिखेंगे टू कोमा फाइव, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर एक काम करते हैं, x का मान माइनस दो रखते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर नंबर थ्री, सिंस समीकरण क्या दिया है 3x माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस फोर, ठीक है। अब यहाँ पर x का मान हमने कितना लिया है माइनस दो, x बराबर माइनस दो समीकरण दो में रखने पर, ठीक है। सो क्या आएगा 3 इंटू माइनस टू माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस फोर, अब तीन दुना कितना हो जाएगा छः, सो यहाँ पर आएगा सिक्स, ये प्लस में है और ये माइनस में, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस फोर। अब यहाँ पर माइनस छः है, इधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस छः, तो यहाँ पर क्या लिखोगे माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस फोर प्लस सिक्स, सो माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस प्लस, ठीक है, माइनस फोर प्लस सिक्स, माइनस प्लस क्या होता है बच्चों माइनस होता है, मतलब यहाँ पर मुझे क्या करना है माइनस करना है, चार में से छः नहीं जाएगा, छः में से चार को माइनस करो दो आएगा, और बड़ा नंबर कौन सा है छः, तो यहाँ पर प्लस का साइन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे दो, ठीक है। अब यहाँ पर दो मल्टीप्लाई में, इधर गया तो क्या हो जाएगा डिवीजन, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस वाई बराबर दो बट्टे दो, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दो और दो कैंसिल हो जाएगा, दो एकम दो, दो एकम दो, माइनस वाई बराबर कितना आया एक, ठीक है। अब माइनस को यहाँ पर ट्रांसफर कर दो तो y का मान कितना आएगा माइनस एक, इसका मतलब जब x का मान माइनस दो था तो y का मान कितना आया माइनस एक, यहाँ पर लिखेंगे माइनस एक, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे माइनस टू कॉमा माइनस वन, ठीक है। अब एक काम करते हैं x का मान माइनस चार लेते हैं, ठीक है, फिलहाल मैं इसको रफ कर देता हूँ, सो नंबर फोर समीकरण क्या दिया है बच्चों, समीकरण क्या दिया है 3x माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस फोर, ठीक है। सो यहाँ पर हमने x का वैल्यू कितना लिया है माइनस फोर, सो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर माइनस फोर समीकरण दो में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा 3 इंटू माइनस फोर माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस फोर, ठीक है। अब तीन चौक कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस फोर, ठीक है। अब बच्चों माइनस 12 है, इधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस 12, सो माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस फोर प्लस 12, सो माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस प्लस क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा, 12 में से 4 को माइनस करो कितना बचेगा बच्चों 8 बचेगा। अब 12 का साइन क्या है प्लस, तो आंसर में भी किसका साइन होगा प्लस का साइन होगा, ठीक है, लेकिन यहां पर प्लस नहीं लिखेंगे। अब यहां पर देखिए दो मल्टीप्लाई में, इधर गया तो क्या हो जाएगा डिविजन, तो यहां पर क्या आएगा माइनस वाई इज इक्वल टू 8 अपॉन 2, दो एकम दो, दो चौक 8, तो माइनस वाई बराबर कितना आएगा 4। अब माइनस ट्रांसफर कर दो राइट हैंड साइड में, तो y का मान कितना आएगा माइनस चार, ठीक है। मतलब जब x का वैल्यू माइनस चार था तो y का वैल्यू भी कितना है बच्चों माइनस चार, यहाँ पर लिखेंगे माइनस फोर कोमा माइनस फोर, ठीक है। इस तरह से आपको बिंदुओं के निर्देशांक याद करने हैं। अब इसका जो आलेख है वो आपको खुद से बनाना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। अगर आपको चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थ्री बच्चों। क्वेश्चन नंबर थ्री आपको दिया है 5x माइनस 6y प्लस 30 इज इक्वल टू जीरो, और दूसरा समीकरण दिया है 5x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू
जीरो। अब ये जो युग्मक समीकरण दिया गया है इसको मुझे कौन सी विधि से हल करना है, आलेख विधि से हल करना है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले समीकरण को लेना है और उससे मुझे चार बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो बच्चों यहां पर पहला समीकरण क्या लिखा है, सिंस फाइव एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस 30 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। एक काम कीजिए, इसको समीकरण एक दे दीजिए। अगर आप इस समीकरण को ऐसे भी रखेंगे ठीक है तो भी चलेगा, समझ में आ रहा है। अगर आप प्लस 30 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो भी चलेगा, अगर समीकरण को ऐसे भी रखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो बच्चों एक काम करते हैं, यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग जीरो लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, सिंस फाइव एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस 30 इज इक्वल टू जीरो। हमने x का वैल्यू कितना लिया है, जीरो। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर जीरो समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। अब जहाँ पर x है वहाँ पर मुझे क्या रखना है, जीरो। तो यहाँ पर लिखेंगे फाइव इंटू जीरो माइनस सिक्स वाई प्लस 30 इज इक्वल टू जीरो। अब पाँच का गुणा जीरो से करोगे कितना आएगा, जीरो माइनस सिक्स वाई प्लस 30 इज इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, जीरो आएगा। अब जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता तो क्या आएगा, माइनस सिक्स वाई प्लस 30 इज इक्वल टू जीरो। अब ये जो 30 है उसको राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दो तो क्या आएगा, माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू माइनस 30। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसल। तो यहाँ पर क्या बचेगा, वाई बराबर 30 अपॉन 6, ठीक है। 6 कम 6, 6 पच्चे 30। तो y का मान कितना आएगा बच्चों, 5। इसका मतलब जब x का मान 0 था तो y का मान कितना है बच्चों, 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.5, ठीक है। अब एक काम करते हैं, x का वैल्यू 6 लेकर देखते हैं, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड पॉइंट, सिंस 5x माइनस सिक्स वाई प्लस 30 इज इक्वल टू जीरो। अब x का वैल्यू मैंने कितना लिया है, 6। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 6 समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 5 इंटू 6 माइनस सिक्स वाई प्लस 30 इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ पर 6 पच्चे कितना हो जाएगा, 30 माइनस 6y प्लस 30 इज इक्वल टू जीरो। अब बच्चों यहाँ पर 30 और ये भी 30 है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में, प्लस प्लस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। 30 और 30 कितना हो जाएगा, 60। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 6y प्लस 60 इज इक्वल टू जीरो। अब बच्चों ये प्लस में है, इधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस। सो माइनस 6y इज इक्वल टू जीरो माइनस 60, या फिर आप डायरेक्ट माइनस 60 लिखो, ठीक है। सो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल। क्या बचेगा, 6y इज इक्वल टू 60। अब 6 यहाँ पर गुणे में है, इधर गया तो क्या हो जाएगा, बट्टे में। तो y का मान कितना आएगा, 60 अपॉन 6। अब 6 से डिवाइड कर दो, 6 एकम 6 और 0। सो y का मान कितना आएगा, 10, ठीक है। अब यहाँ पर जब x का मान 6 था तो y का मान कितना आया, 10। तो यहाँ पर लिखेंगे 6.10, ठीक है। अब एक काम करते हैं, x का वैल्यू यहाँ पर माइनस 6 लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर लिखेंगे थर्ड पॉइंट, सिंस समीकरण क्या है, 5x माइनस 6y प्लस 30 इज इक्वल टू जीरो। अब बच्चों यहाँ पर x का मान हमने कितना लिया है, माइनस 6। तो x बराबर माइनस 6 समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। सो क्या आएगा, 5 इंटू माइनस 6 माइनस 6y प्लस 30 इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर 5 छंग कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। माइनस 6y प्लस 30 इज इक्वल टू जीरो। अगर बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 30 और प्लस 30 क्या हो जाएगा, कैंसल, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस 6y इज इक्वल टू जीरो। अब बच्चों यहाँ पर 6 गुणे में है, इधर गया तो क्या हो जाएगा, बट्टे में। सो यहाँ पर आएगा माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो अपॉन 6। अब 6 से 0 को डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा। अब बच्चों यहाँ पर माइनस वाई का वैल्यू 0 आया तो माइनस को यहाँ पर ट्रांसफर कर दो तो वाई का मान आएगा 0। अब 0 के साथ कोई भी चिन्ह नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पर सिर्फ आपको 0 लिखना है, ठीक है। सो यहाँ पर जब एक्स का मान
माइनस छः था तो y का मान कितना है बच्चों, जीरो। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे माइनस सिक्स कोमा जीरो। अब बच्चों एक काम करते हैं, हम लोग x का वैल्यू तीन रख के देखते हैं, ठीक है। x का वैल्यू कितना लेंगे बच्चों यहाँ पर, तीन, ठीक है। सो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट, सिंस समीकरण क्या है, फाइव एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस थर्टी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर तीन, समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। सो यहाँ पर आएगा फाइव इंटू थ्री माइनस सिक्स वाई प्लस थर्टी इज इक्वल टू जीरो, पास थ्री कितना हो जाएगा पंद्रह, माइनस सिक्स वाई प्लस थर्टी इज इक्वल टू जीरो। अब बच्चों पंद्रह और तीस कितना हो जाएगा पैंतालीस, सो माइनस सिक्स वाई प्लस फोर्टी फाइव इज इक्वल टू कितना आएगा जीरो, ठीक है। सो यहाँ पर माइनस सिक्स वाई, अब ये प्लस में है इधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू माइनस फोर्टी फाइव, ठीक है। यहाँ पर माइनस माइनस बच्चों क्या हो जाएगा कैंसल, क्या बचेगा सिक्स वाई इज इक्वल टू फोर्टी फाइव। अब सिक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर गया तो क्या हो जाएगा डिविजन, तो क्या आएगा बच्चों y इज इक्वल टू फोर्टी फाइव अपॉन सिक्स। अब छः से इसको भाग दे दो तो क्या आएगा देखते हैं, छः से मुझे पैंतालीस में भाग देना है, ठीक है। अब यहाँ पर छः का पहाड़ा बोलो, छः कम छः, छः दूनी बारह, छः त्री अठारह, छः चौका चौबीस, छः पचे तीस, छः छः छत्तीस, छः सातु कितना हो जाएगा बयालीस, ठीक है। अब पैंतालीस में से बयालीस को माइनस करो कितना आएगा बच्चों तीन आएगा। अब छः से तीन जा रहा है क्या, नहीं, एक काम करो यहाँ पर पॉइंट लगा दो, यहाँ पर कितना आएगा जीरो। सो छः पच्चे कितना हो जाएगा बच्चों तीस आएगा, ठीक है। यहाँ पर y का मान कितना आया 7.5, बच्चों आलेख में 7.5 को हम इजीली दिखा सकते हैं, तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 7.5, ठीक है। चलिए सो यहाँ पर आएगा 7.5 थ्री कोमा 7.5, ओके। अब बच्चों जिस तरह से हम लोग समीकरण एक को हल किया है उसी तरह हमें समीकरण दो को भी हल करना है, ठीक है। सो यहाँ पर समीकरण दो क्या दिया है लिख लेते हैं, सिंस फाइव एक्स प्लस फोर वाई माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसके लिए सारणी बना लेते हैं, एक्स वाई एक्स कोमा वाई, ठीक है। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम, ठीक है। बच्चों एक काम करते हैं, यहां पर x का वैल्यू जीरो लेते हैं, ठीक है। एक काम कीजिए, इसको समीकरण दो दे दीजिए, इसको फिलहाल मैं रफ कर देता हूं। चलिए नंबर वन, सिंस फाइव एक्स प्लस फोर वाई माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो। अब यहां पर मैंने x का वैल्यू कितना लिया है जीरो, तो यहां पर लिखना पड़ेगा x बराबर जीरो, समीकरण दो में रखने पर, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा फाइव इंटू जीरो प्लस फोर वाई माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो, तो पांच को जीरो से गुणा करोगे जीरो आएगा प्लस फोर वाई माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो। अब बच्चों यहां पर जीरो कोई वैल्यू नहीं होता तो फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूं। अब बच्चों यहां पर माइनस ट्वेंटी है इधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस ट्वेंटी, सो क्या आएगा फोर वाई इज इक्वल टू ट्वेंटी। अब फोर यहां पर मल्टीप्लाई में इधर गया तो क्या होगा डिवीजन, तो वाई का वैल्यू कितना आएगा ट्वेंटी अपॉन फोर, ठीक है। अब फोर से ये डिवाइड हो रहा है तो चार एकम चार, चार पच्चे बीस, तो वाई का मान कितना आएगा पांच। इसका मतलब जब एक्स का मान जीरो था तो वाई का वैल्यू कितना आया बच्चों यहां पर पांच आया, तो यहां पर लिखेंगे जीरो कोमा फाइव, ठीक है। अब एक काम करते हैं, x का वैल्यू यहां पर 4 लेते हैं, ठीक है, और देखते हैं y का वैल्यू कितना आता है। तो यहां पर लिखेंगे सेकेंड नंबर, सिंस समीकरण क्या है 5x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहां पर x का वैल्यू मैंने कितना लिया है 4, x बराबर 4 समीकरण दो में रखने पर, ठीक है। सो यहां पर आएगा 5 इंटू फोर प्लस फोर वाई माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो, पांचों के कितना हो जाएगा 20 प्लस फोर वाई माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू जीरो।
अगर बच्चों आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर प्लस 20 और माइनस 20 क्या हो जाएगा, कैंसल, क्या बचेगा 4y इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर गया तो क्या हो जाएगा डिवीजन, सो y का वैल्यू कितना आएगा 0/4, 4 से डिवाइड करोगे y का मान कितना आएगा बच्चों 0 आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर जब x का मान 4 था तो y का मान कितना आया 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 4, 0। अब एक काम करते हैं, x का मान -4 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे थर्ड पॉइंट, सीन समीकरण क्या है 5x + 4y - 20 = 0, और यहां पर लिखना पड़ेगा x = -4 समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, सो यहां पर क्या आएगा 5 × -4 + 4y - 20 = 0। ठीक है, यहां पर 5 चौके कितना हो जाएगा बच्चों 20, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, प्लस 4y - 20 = 0। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए, -20 - 20 - 20 - 20 बच्चों माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, मतलब मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा, 20 और 20 कितना हो जाएगा 40। ठीक है, और साइन कौन सा रहेगा माइनस का, तो यहाँ पर लिखेंगे -40 + 4y = 0। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर -40 राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा +40, तो बच्चों यहां पर क्या आएगा 4y = 40। अब 4 यहां पर मल्टीप्लाई में इधर गया तो क्या हो जाएगा डिवीजन, सो y का मान कितना आएगा 40/4। अब 4 से 40 को डिवाइड कर दो कितना आएगा 4 × 4 = 0 और ये 0, सो y का मान कितना आएगा 10। ठीक है, अब यहां पर जब x का मान -4 था तो y का मान कितना आया बच्चों 10 आया, तो यहां पर लिखेंगे -4, 10। ठीक है, अब एक काम करते हैं, x का वैल्यू हम लोग लेंगे 8। ठीक है, और देखते हैं y का वैल्यू कितना आता है, तो यहां पर लिखेंगे फोर्थ पॉइंट, सिंस समीकरण क्या दिया है 5x + 4y - 20 = 0। ठीक है, x = 8 समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा 5 × 8 + 4y - 20 = 0, तो बच्चों यहां पर 8 × 5 कितना हो जाएगा 40 + 4y - 20 = 0। ठीक है, +40 - 20, ठीक है 40 - 20, 40 में से 20 गया कितना बचेगा 20, तो यहां पर क्या आएगा 4y + 20 = 0। अब यहां पर 4y + 20 इधर गया तो क्या हो जाएगा -20, 4y = -20। अब 4 यहां पर मल्टीप्लाई में इधर गया तो क्या होगा डिवीजन, सो y का वैल्यू कितना आएगा -20/4। अब बच्चों यहां पर 4 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर दो 4 × 4 = 4, 4 × 5 = 20, तो y का मान कितना आएगा -5। तो बच्चों यहां पर जब x का मान 8 था तो y का मान कितना आया -5, तो यहां पर आएगा 8, -5। ठीक है बच्चों, इस तरह से इसको हल करना है। अब इसका जो आलेख रहेगा वो आपको खुद से बनाना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है 3x - y - 2 = 0, ये पहला समीकरण है, और दूसरा समीकरण दिया है 2x + y = 8। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहला समीकरण जो दिया है उसको लिख लेते हैं, सिंस 3x - y - 2 = 0। एक काम कीजिए, ये जो -2 है इसको राइट हैंड साइड में लेकर जाते हैं, अगर आप वैसे रखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, सो यहाँ पर क्या आएगा 3x - y = अब ये -2 है इधर गया तो क्या हो जाएगा +2, और एक काम करते हैं ये जो समीकरण है इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, सो यहाँ पर या तो हमें x का वैल्यू लेना है या तो हमें y का वैल्यू लेना है, तो एक काम करते हैं हम लोग x का वैल्यू लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए x का गुणांक कितना है 3, और यहाँ पर y का गुणांक कुछ नहीं मतलब क्या होगा 1। अगर हम लोग यहाँ पर x का वैल्यू लेते हैं तो y का मान हमें आसानी से मिल जाएगा, तो एक काम करते हैं हम लोग x का वैल्यू यहाँ पर 0 लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1, सिंस समीकरण क्या दिया है 3x - y = 2। ठीक है, यहाँ पर x = 0 समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो बच्चों क्या आएगा
थ्री इंटू जीरो माइनस वाई इज इक्वल टू टू, ठीक है। सो थ्री इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो माइनस वाई इज इक्वल टू टू, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस वाई इज इक्वल टू टू। अब यहाँ पर शुरुआत में माइनस नहीं होता, माइनस को ट्रांसफर कर दो, y का मान कितना आएगा, माइनस टू, ठीक है। मतलब यहाँ पर जब x का वैल्यू जीरो था तो y का वैल्यू कितना आया बच्चों, माइनस टू आया। सो यहाँ पर लिखेंगे जीरो कोमा माइनस टू। अब एक काम करते हैं, x का वैल्यू वन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड पॉइंट, सिंस समीकरण क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू टू, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे x बराबर एक समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। और यहाँ पर आएगा 3 इंटू वन माइनस वाई इज इक्वल टू टू, तीन एकम क्या हो जाएगा, तीन माइनस वाई इज इक्वल टू टू। अब तीन यहाँ पर प्लस में है, इधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस। सो माइनस वाई इज इक्वल टू टू माइनस थ्री। सो यहाँ पर आएगा माइनस वाई इज इक्वल टू, दो में से तीन को माइनस करो, नहीं जाएगा। तीन में से दो को माइनस करो, कितना आएगा, एक। और बड़ा नंबर कौन सा है, तीन, तो साइन किसका रहेगा, माइनस का। अगर बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचेगा, वाई इज इक्वल टू वन, ठीक है। चलिए, जब एक्स का वैल्यू एक था तो वाई का भी वैल्यू कितना आया, एक। तो यहाँ पर लिखेंगे वन कोमा वन, ठीक है। अब एक्स का वैल्यू यहाँ पर टू ले लेते हैं, सो यहाँ पर आएगा नंबर थ्री, समीकरण क्या दिया है, सिंस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू टू, ठीक है। हमने x का वैल्यू यहाँ पर कितना लिया है, दो। तो x बराबर दो समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। सो यहाँ पर क्या आएगा, 3 इंटू टू माइनस वाई इज इक्वल टू टू, यहाँ पर तीन दुना कितना हो जाएगा, छः माइनस वाई इज इक्वल टू टू, ठीक है। अब यहाँ पर छः प्लस में है, इधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस। सो माइनस वाई इज इक्वल टू टू माइनस सिक्स। सो माइनस वाई इज इक्वल टू, दो में से छः नहीं जाएगा, छः में से दो को माइनस करो, कितना आएगा, चार। और बड़ा नंबर छः है, साइन किसका रहेगा, माइनस का। यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल। y का मान कितना आएगा, चार, ठीक है। मतलब यहाँ पर जब x का मान दो था तो y का मान कितना आया, चार। तो यहाँ पर लिखेंगे टू और यहाँ पर आएगा फोर। सो यहाँ पर आएगा टू कॉमा फोर। अब एक काम करते हैं, x का वैल्यू यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं थ्री, ठीक है। और देखते हैं y का वैल्यू कितना आता है। तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे फोर्थ पॉइंट, सिंस समीकरण क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू टू, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे x बराबर तीन समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। सो यहाँ पर आएगा 3 इंटू थ्री माइनस वाई इज इक्वल टू टू, तीन त्रिका कितना हो जाएगा बच्चों, 9 माइनस वाई इज इक्वल टू टू। अब 9 यहाँ पर प्लस में इधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस। सो माइनस वाई इज इक्वल टू टू माइनस नाइन। सो माइनस वाई इज इक्वल टू, दो में से 9 नहीं जाएगा, 9 में से 2 गया, कितना बचेगा, सात। और यहाँ पर क्या आएगा, माइनस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल। तो वाई का मान कितना आएगा बच्चों, सात, ठीक है। सो यहाँ पर x का वैल्यू 3 था तो y का वैल्यू कितना आया, 7। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 कोमा 7, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा समीकरण क्या दिया है, लिख लेते हैं 2x प्लस y इज इक्वल टू 8, ठीक है। और इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब इसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, सारणी बनानी पड़ेगी, ठीक है। सो यहाँ पर लिखेंगे x, y और यहाँ पर आएगा x कोमा y, ठीक है। और यहाँ पर चार कॉलम्स आएंगे, एक दो तीन चार, ठीक है। चलिए, अगर यहाँ पर भी आप ध्यान से देखोगे तो x का गुणांक कितना है, दो, और y का गुणांक कुछ नहीं, मतलब क्या होगा, एक। यहाँ पर भी x का वैल्यू आप रखिए, अगर आप x का वैल्यू रखोगे तो y का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम लोग x का वैल्यू यहाँ पर जीरो लेते हैं। सो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, सिंस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, और यहाँ पर लिखेंगे x बराबर जीरो समीकरण दो में रखने पर, ठीक है। सो यहाँ पर आएगा 2 इंटू जीरो प्लस वाई इज इक्वल टू 8, 2 इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो y का मान कितना आएगा बच्चों, 8, ठीक है। जब x का मान जीरो था तो y का मान कितना है, 8, तो यहाँ पर आएगा 0.8, ठीक है। चलिए, अब एक काम करते हैं, x का वैल्यू यहाँ पर एक ले लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर लिखेंगे सेकेंड पॉइंट, समीकरण क्या दिया है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8,
एक्स बराबर एक समीकरण दो में रखने पर, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे 2 × 1 + y = 8, दो एकम क्या हो जाएगा 2 + y = 8। अब 2 प्लस में है इधर क्या, तो क्या हो जाएगा माइनस। सो y का मान कितना आएगा 8 - 2, सो y का मान कितना आएगा 8 में से 2 गया 6, ठीक है। जब x का मान 1 था तो y का मान कितना है 6, तो यहां पर लिखेंगे 1, 6, ठीक है। अब एक काम करते हैं, थर्ड पॉइंट पे हम लोग x का वैल्यू कितना लेंगे 2, ठीक है। सो यहां पर लिखेंगे समीकरण क्या दिया है 2x + y = 8, x बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। सो यहां पर आएगा 2 × 2 + y = 8, दो दूनी कितना हो जाएगा 4 + y = 8, सो y का मान कितना आएगा 8 - 4, y का मान कितना आएगा बच्चों यहां पर 4, ठीक है। सो यहां पर x का मान 2 था तो y का मान कितना है 4, यहां पर लिखेंगे 2, 4। अब एक काम करते हैं x का वैल्यू 3 ले लेते हैं, सो यहां पर आएगा नंबर 4, सिंस समीकरण है 2x + y = 8, यहां पर लिखेंगे x बराबर 3 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। सो यहां पर लिखेंगे 2 × 3 + y = 8, यहां पर 3 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों 6 + y = 8, अब 6 प्लस में है इधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस, सो y का मान कितना आएगा 8 - 6, y का मान कितना आएगा 8 में से 6 गया 2, ठीक है। जब x का मान 3 था तो y का मान कितना आया बच्चों यहां पर 2 आया, तो यहां पर लिखेंगे 3, 2, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करना था, अगर आपको चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका जो आलेख है वो आपको खुद से बनाना है ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है बच्चों। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है 3x + y = 10, ये पहला समीकरण है, और दूसरा समीकरण दिया है x - y = 2, ठीक है। अब जो समीकरण दिया है वो पहले लिख लेते हैं। सो पहला समीकरण क्या दिया है 3x + y = 10, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो x का गुणांक 3 है और y का गुणांक कुछ नहीं, मतलब यहां पर क्या होगा 1, ठीक है। अब यहां पर भी अगर आप x का वैल्यू लेते हो तो आपको y का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एक काम करते हैं, हम लोग x का वैल्यू यहां पर 1 लेते हैं, ठीक है। सो यहां पर लिखेंगे नंबर 1, सिंस 3x + y = 10, यहां पर लिखेंगे x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। सो यहां पर आएगा 3 × 1 + y = 10, 3 एकम क्या हो जाएगा 3 + y = 10, अब 3 प्लस में है इधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस, सो y का मान कितना आएगा 10 - 3, ठीक है। सो y का मान कितना आएगा 10 में से 3 गया कितना बचेगा बच्चों 7, ठीक है। जब x का मान 1 था तो y का मान कितना आया 7, तो यहां पर लिखेंगे 1, 7, ठीक है। अब एक काम करते हैं x का वैल्यू यहां पर 2 लेते हैं, सो यहां पर लिखेंगे सेकेंड पॉइंट, सिंस समीकरण क्या दिया है 3x + y = 10, और यहां पर लिखेंगे x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। सो यहां पर आएगा 3 × 2 + y = 10, 3 दूना क्या हो जाएगा 6 + y = 10, अब 6 प्लस में है इधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस, सो y का मान कितना आएगा 10 - 6, y का मान आएगा बच्चों 4, ठीक है। तो यहां पर जब x का मान 2 था तो y का मान कितना है बच्चों यहां पर 4 आया, सो यहां पर आएगा 2, 4। अब एक काम करते हैं x का वैल्यू 3 लेते हैं, सो थर्ड पॉइंट समीकरण क्या दिया है 3x + y = 10, सो यहां पर लिखेंगे x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। सो यहां पर आएगा 3 × 3 + y = 10, 3 का क्या हो जाएगा 9 + y = 10, अब 9 प्लस में है इधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस, सो y का मान कितना आएगा 10 - 9, y का मान कितना आएगा 10 में से 9 गया बच्चों कितना आएगा 1, ठीक है। सो यहां पर लिखेंगे 1, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा 3, 1। अब एक काम करते हैं x का वैल्यू 4 लेते हैं, ठीक है। सो यहां पर आएगा फोर्थ पॉइंट, सिंस समीकरण क्या दिया है 3x
प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो यहां पर आएगा x बराबर 4 समीकरण एक में रखने पर, ठीक है। सो यहां पर आएगा 3 इंटू 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, सो यहां पर चाहते कितना हो जाएगा 12 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, सो यहां पर y इज इक्वल टू 10 माइनस 12 आएगा, y का मान कितना आएगा बच्चों माइनस 2, ठीक है। तो यहां पर जब x का मान 4 था तो y का मान कितना है बच्चों माइनस 2, तो यहां पर लिखेंगे 4 कोमा माइनस 2, ठीक है माइनस 2, ठीक है। अब एक काम करते हैं, जो काम हमने समीकरण एक के साथ किया है वही काम हम किसके साथ करेंगे समीकरण दो के साथ, तो यहां पर लिखेंगे सिंस समीकरण दो क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर दो, ठीक है। अब यहां पर भी मुझे इसके लिए सारणी बनानी पड़ेगी, यहां पर आएगा x y और यहां पर आएगा x कोमा y, ठीक है। और यहां पर आपको चार कॉलम्स बनाने हैं, 1, 2, 3 और यहां पर आएगा 4, ठीक है। चलिए अगर हम लोग यहां पर y का वैल्यू लेते हैं तो x का वैल्यू हमें इजीली मिल जाएगा, तो एक काम करते हैं y का वैल्यू यहां पर हम लोग 0 लेते हैं, सो यहां पर लिखेंगे नंबर 1 सिंस समीकरण क्या दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यहां पर लिखेंगे y बराबर 0 समीकरण दो में रखने पर, ठीक है। सो यहां पर आएगा x माइनस 0 इज इक्वल टू 2, x का मान कितना आएगा बच्चों 2, ठीक है। जब y का मान 0 था तो x का मान कितना आया 2, यहां पर आएगा 2, 0, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, एक काम करते हैं यहां पर y का वैल्यू हम लोग लेते हैं 1, ठीक है। यहां पर लिखेंगे जो समीकरण दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यहां पर लिखेंगे y बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। और यहां पर क्या आएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 x, अब माइनस 1 इधर गया तो क्या हो जाएगा प्लस 1, x बराबर क्या होगा 2 प्लस 1, सो यहां पर x का मान कितना आएगा बच्चों 3, जब y का मान 1 था तो x का मान कितना आया 3, तो यहां पर लिखेंगे 3, ठीक है। यहां पर आएगा 3, 1, ठीक है। एक काम करते हैं y का मान हम लोग अभी कितना लेंगे 2, ठीक है। एक काम करते हैं अभी हम लोग y का वैल्यू यहां पर 2 लेकर देखते हैं, तो देखते हैं x का वैल्यू क्या आता है। सो यहां पर लिखेंगे थर्ड पॉइंट सिंस समीकरण क्या दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यहां पर लिखेंगे y बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। यहां पर आएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, अब 2 यहां पर माइनस में है राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, सो यहां पर आएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस 2, एक्स का मान कितना आएगा बच्चों 4, ठीक है। जब y का मान 2 था तो x का मान कितना है 4, यहां पर लिखेंगे 4, 2। अब एक काम करते हैं y का मान 3 लेकर देखते हैं, ठीक है। सो यहां पर लिखेंगे फोर्थ पॉइंट सिंस समीकरण दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यहां पर लिखेंगे y बराबर 3 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। सो यहां पर आएगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, तो यहां पर आएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस 3, एक्स का मान कितना आएगा बच्चों 5, ठीक है। और यहां पर लिखेंगे जब y का मान 3 रहेगा तो x का मान कितना आया 5, ठीक है। सो यहां पर आएगा 5, 3, ठीक है बच्चों। इस तरह से इसको सॉल्व करना था, अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका जो आलेख होगा वो भी आपको खुद से बनाना है ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है।